सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बार जल्दी से जय हिंद करिए, उसके बाद हम लोग सेशन की स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे, या जो नए जुड़ रहे हैं दोस्तों वो जान जाएं कि हम लोग जब जुड़ते हैं तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जय हिंद से, क्योंकि हम लोग दोस्तों एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं और एयरफोर्स के स्टूडेंट की शुरुआत जय हिंद से होती है दोस्तों। तो दोस्तों कल मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है हमारे सपोर्ट में थे दोस्तों, और उन्होंने कई बच्चों से कहा कि आप लोग लाइव जुड़ा करिए दोस्तों। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग हमारे साथ हैं। और दोस्तों ये द स्पीड स्टडी आप सबका परिवार है दोस्तों, द स्पीड स्टडी आप सबका परिवार है और आप सब इसके एक सदस्य हैं दोस्तों। और सब लोग सपोर्ट करिए अपने इस परिवार का दोस्तों, अपने इस जो हम लोगों का एक सदस्य का एक टीम है दोस्तों, और ये टीम और बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, और ये सब आप कर सकते हैं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों एक बार सबको, और एक बार जल्दी से दोस्तों सब लोग कमेंट में आ जाइए। आज हो सकता है दोस्तों थोड़ा डेली की अपेक्षा आज लाइट में थोड़ा डिफरेंस होगा आपको, थोड़ा कल रात में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आज लाइट नहीं है और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है दोस्तों, लेकिन आपको जो है एकदम क्लियर दिखेगा, सब कुछ दिख रहा होगा दोस्तों। कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो परेशान मत होइएगा, मैनेज कीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगी दोस्तों वहां पर आपको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक। तो एक बार जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में आ जाइए। हेलो जय हिंद अभिषेक, जय हिंद विशाल, आशीष, रौनक, देवेश, सुमित, अंकित, आकृति, जय हिंद एक बार सबको। तो दोस्तों एक बार जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, और हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक अपना। और पहला टॉपिक हम लोगों का दोस्तों रूल है, और रूल में आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों 10 वर्ड। जी हाँ दोस्तों, रूल में आप लोग 10 वर्ड देख रहे होंगे। बस एक मिनट दोस्तों, रूल में दोस्तों आप लोग 10 वर्ड देख रहे होंगे, रूल में दोस्तों आप लोग 10 वर्ड देख रहे होंगे। क्या लिखा है देखिए, इसको सब मैंने बताया है दोस्तों, एडवाइजेस, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशंस, सीनरीज, पोट्रीज, ज्वेलरीज, आम, सराउंडिंग, सीजर, कांग्रेचुलेशन और क्रेडेंशियल। जी हाँ दोस्तों 10 वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट वाला 10वां क्रेडेंशियल और क्रेडेंशियल्स दोनों एक साथ लिखा हुआ है। क्रेडेंशियल्स जो है वो आपका करेक्ट वाले पार्ट के नीचे रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सब का अर्थ आप जानते होंगे दोस्तों, जब हम लोग डे 2 पढ़ रहे थे, अर्थात वीडियो नंबर 2 पढ़ रहे थे जब, तो उसमें हमने बताया था दोस्तों नाउन वाले रूल में, अर्थात हम लोग दो चीज पढ़ते हैं दोस्तों, एक तो ये रूल पढ़ते हैं जिसमें हम लोग 10 वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नाउन का एक रूल पढ़ते हैं दोस्तों। तो उसमें हमने बताया था दोस्तों कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पहले ए या एन नहीं लगता और उसमें यस या यस नहीं लगता दोस्तों, जिसमें हमने बताया था कि सीनरीज हो गया आपका, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बगेज हो गया, ये सब वर्ड है दोस्तों जिसके साथ यस या यस नहीं लगता दोस्तों। तो देख रहे होंगे पहला एडवाइसेज लिखा हुआ है दोस्तों, तो एडवाइसेज कभी एडवाइसेज नहीं होता, एडवाइस मतलब सलाह होती है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कोई ज्यादा सलाह दे रहा हो तो उसको कहेंगे ए लॉट ऑफ एडवाइस, मतलब अगर एडवाइस का बहुवचन बनाना हो दोस्तों, एडवाइस का अगर बहुवचन बनाना हो तो यस लगकर बहुवचन नहीं बनता, अर्थात ए लॉट ऑफ एडवाइस होता है। उसी तरह इंफॉर्मेशन दोस्तों, तो इंफॉर्मेशन में यस लगकर बहुवचन नहीं बनता, इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, जैसे कह दिया जाए उसने मुझे बहुत सारी सूचनाएं दी दोस्तों, तो बहुत सारी सूचनाएं दी तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी दोस्तों। तो दोस्तों कल मैं कमेंट देख रहा था बाद में जो है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं लाइव कमेंट सबके देखता ही हूं, और जिसका नहीं देख पाता हूं दोस्तों उसका ऑफलाइन कमेंट भी देखता हूं। तो जो दोस्तों
मैंने देखा था सत्यनारायण अवस्थी का देखा था कमेंट आया था, नितेश कुशवाहा का कमेंट आया था दोस्तों, और नितिन राठौर का कमेंट आया था दोस्तों, हनुमान बिश्नोई का कमेंट आया था दोस्तों। तो मैं सबके कमेंट देखता हूं दोस्तों, सबके कमेंट मैं देखता हूं। तो दोस्तों ऑफलाइन में बताया करिए जो प्रॉब्लम हो। कई बच्चे बोले थे कि सर अच्छा समझ में आ रहा है, और कई बच्चे बोले थे कि सर जो है टेंस की जो है मतलब टेंस नहीं ग्रामर का जो है स्टार्ट करिए। तो ग्रामर स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, ग्रामर स्टार्ट किया जाएगा तो जल्द ही स्टार्ट होगा और एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। कम से कम 25 बच्चे तो लाइव जुड़े ही दोस्तों, देखते हैं कि 18 बच्चे, 17 बच्चे, 16 बच्चे ऐसे जुड़ते हैं दोस्तों। तो अब बताइए कि एक घंटे आप लोगों के लिए मैं इतना टाइम निकाल के पूरा एनालिसिस करके कि कौन सा परीक्षा में आता है दोस्तों, सब चीज़ मैंने कल ग्रुप पर भेजा भी था कि देखिए इतनी इतनी किताबों से मैं एनालिसिस करके तब आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको सबको निकाल के एक नोट्स बनाना, बनाने के बाद उससे आपको पढ़ाना दोस्तों बहुत काम है, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आपके लिए इतना किया जा रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कम से कम 30-35 तो रहिए ही दोस्तों, कम से कम 30-35 तो रहिए ही। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग अपने दोस्त, अपने बड़े भाई, अपने सर का सहयोग जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार जय हिंद करिए दोस्तों, एक बार जय हिंद करिए दोस्तों, खुशी हो जाऊंगा मैं दोस्तों। तो क्या बता रहा था मैं दोस्तों कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इंफॉर्मेशंस है, मतलब उसने मुझे ढेर सारी सूचनाएं दी दोस्तों, तो ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरह आगे लिखा है दोस्तों सीनरीज, मैंने कहा दोस्तों कि सीनरीज कभी अगर बहुवचन में करना हो तो सीनरीज नहीं होता दोस्तों, सीनरी होता है। अगर यह बहुवचन में करना हो, मैंने बहुत सारे दृश्य देखे या मैंने बहुत सारी सीनरी देखी या तस्वीर देखी तो सीन्स हो जाएगा दोस्तों। देखिए उसमें लिखा होगा यस सी ई एन ई एस, एक बार मैं लिख देता हूं दोस्तों, यस सी ई एन ई एस, सीन्स होता है दोस्तों। सीन्स का मतलब होता है दृश्य तस्वीर दोस्तों, और दृश्य जिसका मतलब होता है दोस्तों स्पेक्टेकल, मतलब दृश्य होता है, स्पेक्टेकल मतलब दृश्य होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है पोएट्रीज। जी हाँ दोस्तों, तो पोएट्रीज नहीं होता दोस्तों, पोट्री होता है। और उसी तरह दोस्तों ज्वेलरी है, ज्वेलरीज, ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है दोस्तों। आगे हम देखें तो एक बताया था हमने दोस्तों, कुछ वर्ड होते हैं जिसमें यस लगता है दोस्तों, जैसे आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है दोस्तों भिक्षा, ए एल एम लिखा होगा दोस्तों, छठा वर्ड है, तो ए एल एम नहीं होता दोस्तों, आर ए एल एम यस होगा, आर्म्स होता है, आर्म्स मतलब होता है दोस्तों भिक्षा। उसी तरह दोस्तों सराउंडिंग, तो सराउंडिंग मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ, तो सराउंडिंग नहीं होता दोस्तों, सराउंडिंग्स होता है। वहीं अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, सीजर लिखा होगा, सीजर का मतलब होता है दोस्तों कैंची, तो सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों जिसमें दो चीजों, जैसे सीजर कैंची, कैंची दोस्तों ऐसे रहती है ना, ऐसे रहती है, अर्थात उसमें दो हिस्सा रहता है, अगर कोई चीज दो हिस्सों में बट जाए ना दोस्तों तो उसमें यस लगता है, ठीक। तो याद रखिएगा आप, जैसे पैजामा, तो पैजामा आप देखते हो दोस्तों उसमें दो टांग का है ना, उसी तरह दोस्तों लैगी, लैगी भी देखते हो दो टांग का है। तो ये सब वर्ड है दोस्तों जिसके साथ यस लगता है, और ऊपर मैंने बताया कि कुछ वर्ड है जिसके साथ यस नहीं लगता दोस्तों। तो ये है 10 वर्ड दोस्तों। अगला है कांग्रेचुलेशन, तो कांग्रेचुलेशन नहीं होता दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस होता है, ठीक। वहीं अगला लिखा है क्रेडेंशियल, तो क्रेडेंशियल नहीं होता दोस्तों, क्रेडेंशियल्स होता है। कहीं दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कहीं दिक्कत हो किसी वर्ड में दोस्तों बताइए। मोहित कमेंट में देख रहा हूं आपका, मोहित में कमेंट आपका देख रहा हूं। देखिए करेक्ट इनकरेक्ट पर चलते हैं दोस्तों, अगला करेक्ट इनकरेक्ट पर चलते हैं, और आप लोग बताइएगा कि कहां पर दिक्कत है दोस्तों। करेक्ट इनकरेक्ट पर चलते हैं दोस्तों, पहला वर्ड लिखा होगा, कुछ कटा होगा उसमें दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं, माय फ्रेंड्स गेव मी, लिख दे रहा हूं पहला वर्ड में, लिख दे रहा हूं दोस्तों, वहां पे कम दिख रहा होगा, माय फ्रेंड्स गेव मी, ठीक, माय फ्रेंड्स गेव मी सम एडवाइसेस और आगे करके कुछ और है दोस्तों। तो इसमें एक वर्ड है माय फ्रेंड्स, एक वर्ड है इसी तरह मी एडवाइसेस। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों, माय फ्रेंड्स गेव मतलब मेरे मित्र ने दिया, मी माने मुझे, सम एडवाइसेस कुछ जान एडवाइस, कुछ सलाह दिया दोस्तों, जिसमें यस लगा है।
अर्थात हमने कहा दोस्तों का एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बगेज हो गया, इसके सबके साथ दोस्तों यस नहीं लगता है। तो अर्थात जो हमारा एरर है दोस्तों, वो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है दोस्तों। जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों, दूसरा वाला आपको दिख रहा होगा, दूसरे वाले में बताइए क्या गलत है दोस्तों। दूसरे वाले में बताइए, लिखा है ही गेव, उसने दिया द पुलिस, पुलिस को फॉल्स इंफॉर्मेशंस, गलत सूचनाएं अबाउट हिज बैकग्राउंड, अपनी पिछली लाइफ के बारे में उसने पुलिस को गलत जानकारियां दी दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है इंफॉर्मेशंस, देख रहा हूं कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका विशाल, बिल्कुल सही है आपका अभी, बिल्कुल सही है आपका नील, नितेश आपका भी सही है, अभिषेक सही है, भवानी सही है आपका भी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है और इंफॉर्मेशंस नहीं होता दोस्तों, इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो एरर है दोस्तों वो हो जाएगा बी पार्ट में एरर। दूसरे वाले में भी दोस्तों बी पार्ट में एरर हो जाएगा, अर्थात दूसरे में भी दोस्तों बी पार्ट में एरर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा है वी वेंट, हम गए फॉर ए ड्राइव, ड्राइव पर, ठीक, वी वेंट फॉर ए ड्राइव, हम ड्राइव पर गए टू एंजॉय, आनंद लेने के लिए दोस्तों द सीनरीज, दृश्यों का। जी हां दोस्तों, हम ड्राइव पर गए और किस लिए गए दोस्तों, दृश्यों का आनंद लेने के लिए गए। और हम बताए हैं दोस्तों कि कभी भी दोस्तों, कभी भी यहां पे देख रहे होंगे दोस्तों लिखा क्या है, यहां पर लिखा है दोस्तों कि द सीनरीज, यस सी ई एन ई आर आई ई एस, दोस्तों देख रहे होंगे यहां पे लिखा है दोस्तों सीनरीज, ठीक, सीनरीज लिखा है दोस्तों। और हमने कहा दोस्तों कि सीनरीज नहीं होता, चाहे आप इसको सीनरी कह दीजिए, मतलब चाहे आप दोस्तों ये आई ई एस हटा के सीनरी कर दीजिए, और चाहे दोस्तों आप सीन्स कर दिए, सीन्स, सीन्स भी दोस्तों दृश्य होता है, यस सी ई एन ई एस। तो दोस्तों सीन्स मतलब दृश्य, हमने बहुत सारे दृश्य देखे, सीन्स हो जाएगा, लेकिन सीनरी दोस्तों अगर लिख दिया तो सीनरी सही है या सीन्स सही है, सीनरीज नहीं होता दोस्तों। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं दोस्तों? समझ में आ रहा है दोस्तों तो जल्दी लाइक करिए दोस्तों, लाइक करिए, लाइक देख रहा हूं दोस्तों कम लाइक है, लाइक करिए, समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करिए। और याद रखिएगा दोस्तों कल, कल दोस्तों 10 बजे आना मत भूलिएगा, 10 बजे से 12 बजे तक तीन चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी तरह सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी तरह प्रीफिक्स सफिक्स, अर्थात इसमें मैं ये बताऊंगा दोस्तों, जैसे आ जाता है वर्ड लिख दिया जाएगा, कह दीजिएगा कि मतलब पूछ लेता है कि इसमें नाउन बताइए कि नाउन क्या है दोस्तों, तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों नाउन को पहचानने की ट्रिक क्या है, एडजेक्टिव को पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों, और एडवर्ब की पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों, तो ये सभी चीजें हम दोस्तों कल बताएंगे 10 बजे दोस्तों। तो कल 10 बजे दोस्तों जरूर आइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, कम से कम, कम से कम बच्चे 100 बच्चे जरूर रहे दोस्तों, इतना प्रयास करिएगा कि 100 बच्चे जरूर रहे। बहुत सारे बच्चे हमारा सपोर्ट किए, मैं देखा दोस्तों फेसबुक पर भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने हमारी पोस्ट शेयर की थी दोस्तों। ठीक, तो मैं सबका जो है दोस्तों नाम लिख कर रखता हूँ, जो 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 बच्चे जो है सपोर्ट करते हैं उनका सबका नाम लिख कर रखता हूँ, जैसे कि मैं दिखा भी दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है ना, ये देखिए सबका नाम लिखा हुआ है दोस्तों, सबका नाम जो है लिख के रखा जाता है दोस्तों कि कौन सा बच्चा जो है सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, तो अर्थात दूसरे वाले में क्या एरर हो जाएगा दोस्तों, दूसरे वाले में आपका एरर हो जाएगा बी पार्ट में। आगे चलते हैं दोस्तों पार्ट थ्री में, पार्ट थ्री क्या है दोस्तों, अर्थात जो हमारा तीसरा है, तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों, तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा है दोस्तों वी वांट, तीसरा और चौथा वर्ड देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, लिखा है वी वेंट फॉर ए ड्राइव। जी हां दोस्तों, वी वेंट हम गए फॉर ए ड्राइव, ये तो हो गया दोस्तों, तीसरा हो गया दोस्तों, चौथा बताइए दोस्तों, चौथा बताइए, सी हैज पब्लिश्ड टू बुक, लिरिक पोएट्रीज एंड ए नॉवेल, मतलब सी हैज पब्लिश्ड
उसने जो है पब्लिश की, प्रकाशित की 2 books, 2 किताबें, लिरिक पोएट्रीज एंड ए नॉवेल। लिरिक पोएट्रीज, देखिए पोएट्रीज का मतलब होता है दोस्तों कविता, ठीक। तो पोएट्रीज लिखा है दोस्तों। तो हमने कहा दोस्तों कि पोएट्रीज नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, पोएट्री होता है। या फिर आपको अगर मतलब बहुवचन बनाना है दोस्तों, किसको आप पोएम्स कर सकते हैं, पोएम्स भी आपका सही रहेगा दोस्तों। तो एरर जो है दोस्तों, किस पार्ट में एरर है, देख रहा हूं दोस्तों बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं, अर्थात दोस्तों जो एरर है इसमें किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, ठीक। सी पार्ट में आपका क्या है दोस्तों, एरर है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला आपकी स्क्रीन पर लगा होगा 5वां और 6वां क्वेश्चन, लिखा है वी वेंट टू ए स्टोर। जी हाँ दोस्तों, वी वेंट टू ए स्टोर, हम एक स्टोर पर गए। दैट सोल्ड ज्वेलरीज, दैट माने जो, सोल्ड माने बेचता था, ज्वेलरीज मतलब ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बेचता था, हम उसकी दुकान पर गए। तो दोस्तों 5वां और 6वां बताइए क्या होगा दोस्तों, 5वां और 6वां आप लोग बताइए, कमेंट करिए, मैं देखता हूं क्या होगा। नितेश आपका सही जवाब आ रहा है, सागर आपका भी सही जवाब आ रहा है, प्रमोद आपका भी सही जवाब आ रहा है, किशन आपका भी सही जवाब आ रहा है, अभिषेक सही जवाब दे रहे हैं, आप सब बिल्कुल एकदम एकदम लग रहा है दोस्तों कि सही में समझ में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सही में अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो जय हिंद एक बार लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों और लाइक करिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों और लाइक करिए दोस्तों। आज हो सकता है दोस्तों थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे मतलब कि अंधेरा अंधेरा, लेकिन दोस्तों एकदम क्लियर दिखेगा। आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा दोस्तों, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा और 360p पर देखिएगा, 360p पर देखिए और ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए दोस्तों, क्लियर दिखेगा। केवल आज की प्रॉब्लम है दोस्तों, डेली ऐसा नहीं होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। जो आज नए जुड़े होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, एक दो दिन देखिए, जुड़िए हमारे साथ और निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। जो बच्चे जुड़े हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, हर चीज एकदम लाजवाब तरीके से चल रही है दोस्तों, शायद ही कहीं पर आपको ऐसी चीज मिले दोस्तों। ये सभी मटेरियल ऐसे मटेरियल है दोस्तों जो कि आपको पेड कोर्स में दिए जाते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये सभी कंटेंट फ्री में दूंगा। कई बच्चे कहे मतलब कि मैसेज किए कि सर आप इस पे मतलब पेड कोर्स कर दीजिए ताकि जो बच्चे हैं वो सभी आया करें, नहीं तो बहुत बच्चे हैं जो आते नहीं हैं दोस्तों। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं कि एक बैच मैं फ्री कर दे रहा हूं दोस्तों, सभी के लिए फ्री चल रही है दोस्तों। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों और इसका फायदा उठा लीजिए दोस्तों, इसका फायदा उठा लीजिए दोस्तों आप लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, और नेक्स्ट सेगमेंट आपका क्या है दोस्तों, जो हमारा रूल है, और रूल में दोस्तों दूसरा सेगमेंट है, और दूसरे सेगमेंट में हम लोग नाउन के रूल पढ़ रहे हैं दोस्तों, दूसरे सेगमेंट में नाउन के रूल पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग 5वें रूल पर पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नाउन के 5वें रूल पर पहुंच गए हैं, और आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा, जी हाँ दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा क्या लिखा है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है दोस्तों देखिएगा, लिखा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर कोई निश्चित संख्या हो ना, निश्चित संख्या मतलब दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कोई भी गिनती हो दोस्तों, अगर उनके पहले दोस्तों गिनती लगा दी जाती है, अगर उनके पहले गिनती लगा दी जाती है तो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन बनाते हैं दोस्तों, ठीक, प्लूरल नाउन बनाते हैं। अब कुछ बच्चे देख रहा हूं कमेंट कर रहे हैं, विशाल जी कह रहे हैं कि सर ये प्लूरल नाउन क्या है, तो दोस्तों देखिए विशाल, मैंने परिभाषा बताई थी नाउन की कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग एज एनीथिंग, मतलब पूरे संसार में दोस्तों, पूरे संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सभी नाउन है दोस्तों, पूरे संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सभी नाउन है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों यहां पे लिखा होगा, लिखा है देखिए कि 1, 2, 3 अगर ये सब दिया गया है, किसी मतलब कि कुछ शब्द हैं उनके पहले अगर ये गिनती लिखी है तो वो प्लूरल जो है नहीं बनाते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे जैसे देखिए लिखा होगा पेयर, लिखा होगा स्कोर, लिखा होगा ग्रॉस, लिखा होगा डोजन, लिखा होगा 100, लिखा होगा 1000, लिखा होगा लाख, लिखा होगा मिलियन, लिखा होगा बिलियन, लिखा होगा ट्रिलियन। तो देख रहे हैं दोस्तों, अर्थात ये सब वर्ड हैं दोस्तों जिसके पहले अगर कोई निश्चित संख्या लिख दी जाए दोस्तों तो ये प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे
वी बॉट टू डोजेंस मैंगोज. ठीक, वी बॉट BAUGHT, वी बॉट टू डजन मैंगोज. अब दोस्तों इसमें आपको यह बताना है कि इसमें एरर कहां है, ए बी सी. चलिए दोस्तों कमेंट करिए, एक बार बताइए कि देखता हूं कि क्या आप लोग बता पाते हैं कि नहीं. वैसे ये रूल आज तक मैंने बताया नहीं है अभी आप लोगों को, ठीक, लेकिन आप कमेंट करिए, मैं देखता हूं कि क्या आप बता पाते हैं आप कि नहीं. अभी तक दोस्तों किसी का जवाब नहीं आया, दोस्तों अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, अभी तक दोस्तों किसी का जवाब नहीं आया है. दोस्तों कोई बात नहीं, दोस्तों कोई बात नहीं, हम बताते हैं. दोस्तों देखिए, वी बॉट, हमने खरीदा, टू डजन्स, दो दर्जनों. देखिए दोस्तों, डजन होता तो दर्जन होता, ठीक, डजन होता तो दर्जन होता, दर्जन जैसे एक दर्जन, दो दर्जन, तीन दर्जन. तो दोस्तों अगर केवल डजन लिखा होता तो दर्जन होता, लेकिन यहां पे लिखा है टू डजन्स और यस लग गया दोस्तों. जैसे डजन्स का मतलब दर्जनों, तो उसी तरह टू डजन्स मतलब दो दर्जनों. क्या दोस्तों वर्ड सही लग रहा है आपको, सुनिएगा, मैंने मैंने दो दर्जनों आम खरीदे. दोस्तों आम जो है दर्जन में नहीं मिलता, आम दर्जन में नहीं मिलता, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आम मान लीजिए दर्जने में बेच रहा हो, वैसे आम किलो में मिलता है और केला डजन में मिलता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब लिख दिया हूं तो लिख दिया हूं. दोस्तों मान लीजिए आम ही कोई आम बेच रहा, कह रहा है कि 50 रुपए दर्जन, तो 50 रुपए दर्जन मतलब 12 आम ले लीजिए, 50 रुपए दे दीजिए दोस्तों. ठीक, तो दोस्तों इसमें बताना है तो क्या कोई ये थोड़ी कहेगा कि दो दर्जनों आम. तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी, तो इसमें गलत जो है दोस्तों वो बी पार्ट में है, और गलत कहा दोस्तों, ये जो डजन्स है ना दोस्तों, ये जो डजन्स था, डजन्स नहीं होगा, डजन होगा, मतलब टू डजन मतलब दो दर्जन, थ्री डजन तीन दर्जन, फोर डजन चार दर्जन. तो दोस्तों ये सब वर्ड है, जैसे डजन हो गया, उसी तरह देखिए दोस्तों, हंड्रेड हंड्रेड, ही गेव मी 500 रुपी. ठीक, ही गेव मी 500 रुपी, ही माने उसने, गेव माने दिया, मी माने मुझे, 500 रुपी, रुपीज होगा दोस्तों, रुपी नहीं होगा, 500 रुपीज, उसने मुझे 500 रुपए दिए. तो अब दोस्तों देखिए, अगर इसका मैं अर्थ निकालूं तो ही माने उसने, गेव माने दिया, मी माने मुझे, 5 मतलब 5, हंड्रेड्स मतलब कि हजारों, और रुपीज मतलब रुपए, उसने मुझे 5000 रुपए दिए. क्या दोस्तों वर्ड सही है, उसने मुझे 5000 रुपए दिए दोस्तों, कि उसने मुझे 5000 रुपए दिए. बताइए क्या सही होगा, पहला वाला सही होगा दोस्तों, दूसरा, उसने मुझे 5000 रुपए दिए, या फिर उसने मुझे 5000 रुपए दिए. दोस्तों बताइए कि ए सही होगा कि बी, बताइए दोस्तों. तो देख रहा हूं दोस्तों सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, माना सही जवाब दे रहे हैं आप, अभिषेक सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं. मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहां पे जो गलत है दोस्तों, वो हंड्रेड्स नहीं होगा दोस्तों, हंड्रेड होगा, 500 रुपीज मतलब 500 रुपए, उसने मुझे 500 रुपए दिए दोस्तों. ठीक, तो जो यस या यस लगता है दोस्तों इसमें लगेगा, अर्थात इसमें यस या यस नहीं लगेगा दोस्तों. जब नाउन हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, अभी तो हम लोग केवल रूल में इसको देखते हैं, जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें यह चीज एकदम क्लियर करा दूंगा दोस्तों, उसमें यह चीज एकदम क्लियर करा दूंगा दोस्तों, उसमें यह चीज एकदम क्लियर करा दूंगा. अभी ये रूल दोस्तों इसी का एक अपोजिट रूल है, इसी का एक अपोजिट रूल है, और वो रूल हम लोग कल पढ़ेंगे, रूल नंबर दोस्तों 6, नाउन का जो रूल नंबर 6 है दोस्तों उसको हम लोग कल पढ़ेंगे. आज आगे चलते हैं दोस्तों और ओ डब्ल्यू एस पर चर्चा करते हैं, आज हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों और ओ डब्ल्यू एस पर चर्चा करते हैं. आखिर ओ डब्ल्यू एस में आज हम लोगों के लिए क्या है देखते हैं दोस्तों, ओ डब्ल्यू एस में आज हम लोगों के लिए क्या है देखते हैं दोस्तों. मजा आ रही है दोस्तों, तो एक बार आप लोग जय हिंद करिए दोस्तों, एक बार आप लोग जय हिंद करिए दोस्तों.
का मतलब होता है दोस्तों, OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कल मैं देख रहा था, विशाल का जवाब मैंने नहीं पढ़ पाया था, विशाल ने पूछा था कि सर OWS का मतलब क्या होता है। रोहित कल एक नया लड़का जुड़ा था हम लोगों के साथ, रोहित नाम था उसका, ठीक, उसका भी नाम मैंने नहीं लिया। और एक ज्ञान है दोस्तों, ज्ञान, उनका भी नाम मैंने नहीं लिया, वो भी कल लेट जुड़े थे दोस्तों। तो कई बच्चे थे जो लेट जुड़े थे दोस्तों, तो टाइम पर जुड़ा कीजिए, 10 बजे आपका टाइम है, 10 बजे आप जुड़ जाया कीजिए दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे जय हिंद के, देखिए दोस्तों आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, और आप सभी का बहुत दिल से दोस्तों धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक, और हम आपको दोस्तों अच्छा अच्छा मटेरियल देते रहेंगे। तो दोस्तों OWS में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। OWS में दोस्तों आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों वो है क्या है, पहला वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों हम लोगों का पहला वर्ड है। और जो दोस्तों पहला वर्ड है ना, पहला वर्ड जो दोस्तों है ये 2018 में पूछा गया था दोस्तों, वर्ड है आपका, अभी रुकिए दोस्तों, OWS नहीं दोस्तों, चलिए अच्छा अब लिख दिया हूं दोस्तों, बता देता हूं, जो वर्ड है दोस्तों वो है हम लोगों का इन्फर्मरी। हाँ दोस्तों, INFIRMARY, इन्फर्मरी। हाँ दोस्तों, पहला वर्ड है हम लोगों का इन्फर्मरी। और इन्फर्मरी का मतलब होता क्या है दोस्तों, किसी को पता हो दोस्तों तो कमेंट करिए, इन्फर्मरी का मतलब होता क्या है दोस्तों, किसी को पता हो दोस्तों कमेंट करिए। तो देख रहा हूं दोस्तों, किसी बच्चे का सही जवाब नहीं आ रहा दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता देता हूं, इन्फर्मरी का मतलब होता है दोस्तों जीर्ण रोगी साला। जी हाँ दोस्तों, जीर्ण रोगी साला। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये जीर्ण रोगी साला क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा जीर्ण रोगी साला का मतलब ये है कि जहां पर लोगों, जो लोग बीमार रहते दोस्तों, जो लोग बीमार रहते हैं, जहां पर उनकी देखभाल की जाती है दोस्तों, उसे कहते हैं जीर्ण रोगी साला। ए प्लेस वेयर द केयर ऑफ दोज पीपल हु वर इल, ए प्लेस वेयर द केयर ऑफ दोज पीपल हु वर इल, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पर बीमार लोगों की देखभाल की जाती हो दोस्तों, उसे कहते हैं इन्फर्मरी। और इन्फर्मरी का मतलब होता है दोस्तों जीर्ण रोगी साला, ठीक दोस्तों, इन्फर्मरी का मतलब होता है दोस्तों जीर्ण रोगी साला। उसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं, और अगला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला वर्ड है ग्रेडी, ठीक, ग्रेडी कुलेंस, ठीक, ग्रेडी लो क्वेंस लिखा है दोस्तों, ग्रेडिलो क्वेंस, ठीक, ग्रेडिलो क्वेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रेडिलो क्वेंस मतलब होता है कि यूजिंग ए पॉम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच। जी हां दोस्तों, मतलब क्या है कि यूजिंग ए पॉम्पस स्टाइल, POMPOS पॉम्पस स्टाइल, पॉम्पस स्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अनुचित वर्ड का प्रयोग करना, शब्द आडंबर युक्त भाषा, मतलब दोस्तों शब्द आडंबर युक्त भाषा जो होती है दोस्तों उसे कहते हैं प्रॉम्पस स्टाइल। प्रॉम्पस स्टाइल का मतलब होता है दोस्तों शब्द आडंबर युक्त भाषा, ठीक। तो ये है दोस्तों दूसरा वर्ड हम लोगों का ग्रेडिकुलेंस, मतलब प्रॉम्पस स्टाइल या यूजिंग ए स्पीच ऑन प्रॉम्पस स्टाइल, एक ऐसा भाषण देना जो कि क्या हो, शब्द आडंबर हो, मतलब कि शब्दों का गलत प्रयोग किया गया हो दोस्तों, गलत वर्डों का यूज किया गया हो, वही चीज है दोस्तों ग्रेडिकुलेंस, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों OWS में, देख रहा हूं दोस्तों, मोहित का जवाब आ रहा है, आशीष का भी जवाब आ रहा है, दीपक का भी जवाब आ रहा है कि सर आज, मतलब मैं सबके देख रहा हूँ, काफ़ी बच्चे कमेंट किए हैं कि थोड़ा आज लाइट डिम है सर, तो जो है आप लोगों की, मैं सोच रहा था क्लास बंद कर दूं दोस्तों, आज की क्लास ना चलती दोस्तों, लेकिन चूंकि कल 4 बजे वाली भी क्लास नहीं चलाया था, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, काम था, इसी की वजह से दोस्तों हमने कहा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों को, क्योंकि देखिए दोस्तों एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वो समय है दोस्तों जहां पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ लेंगे दोस्तों तो बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एयरफोर्स नेवी एसएसआर
एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, ये तीनों दोस्तों एक साथ वैकेंसी आप देख सकते हैं और तीनों में अंग्रेजी दोस्तों यही आती है जो मैं बता रहा हूं दोस्तों। इंग्लिश में इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहां तक कि अगर आप सीएचएसएल का पेपर देते हैं दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का पेपर देते हैं तो वहां पे भी दोस्तों अंग्रेजी आपको यही मिलेगी। तो इसीलिए बोलता हूं दोस्तों कि अंग्रेजी की क्लास और 7 बजे वाली रीजनिंग की क्लास, ये दो क्लास आप कभी मिस मत कीजिएगा दोस्तों, पक्का आप सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। फिक्स, मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप लोग देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं फैक्ट है दोस्तों, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा वो ये दो चीज जरूर बताएगा दोस्तों, नेवी, एयरफोर्स, एसएसआर और सीएचएसएल, इन चारों के लिए दोस्तों ये इंग्लिश और रीजनिंग ये दोनों चीज दोस्तों जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, इनसेसिएबल। जी हां दोस्तों, इनसेसिएबल माने क्या होता है, INSATIABLE, इनसेसिएबल। जी हां दोस्तों, इनसेसिएबल माने क्या होता है दोस्तों, इनसेसिएबल मतलब होता है दोस्तों असंतुष्ट, असंतुष्ट या लालची। जी हां दोस्तों, इनसेसिएबल माने होता है दोस्तों असंतुष्ट या लालची, मतलब यह होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो असंतुष्ट हो, इंपॉसिबल टू बी सेटिस्फाई। जी हां दोस्तों, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होने में असमर्थ अगर कोई है दोस्तों तो वही असंतुष्ट है। मतलब क्या बोला हमने दोस्तों, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई दोस्तों, तो इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई मतलब होता है दोस्तों कि असंतुष्ट या लालची दोस्तों। इम्पॉसिबल मतलब कि असमर्थ हो, असंभव हो, और किस चीज में दोस्तों, टू सेटिस्फाई संतुष्ट होने में, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, असंतुष्ट कहेंगे या फिर उसे क्या कहेंगे दोस्तों, लालची कहेंगे। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि चाहे जितना मिल जाए रखे चलो, रखे चलो, रखे चलो। तो दोस्तों हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को दोस्तों एक चीज में लालच रखना चाहिए दोस्तों, एक चीज में लालच रखना चाहिए दोस्तों, और वो है पढ़ने में लालच। हाँ दोस्तों, पढ़ने में लालच रखना चाहिए दोस्तों, कि आज आप जितना भी पढ़े दोस्तों आपको यह लगना चाहिए कि यार आज कम पढ़े, यार आज कम पढ़े। आज अगर आप 1 घंटे पढ़े तो कल 2 घंटे पढ़े, कल 2 घंटे पढ़े तो परसों 3 घंटे पढ़े दोस्तों, फिर 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े दोस्तों डेली। ये नहीं कि आज आप 4 घंटे पढ़े हैं तो कल आप 3 घंटे पढ़िए, ना कम से कम 4 घंटे तो पढ़िए ही दोस्तों, ठीक। तो ये चीज है दोस्तों, तो स्टूडेंट को तो लालची होना ही चाहिए और बाकी लालच नहीं करना चाहिए दोस्तों, लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है दोस्तों उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ईश्वर सबको देगा, समय आने पर देगा। आप परिश्रम करिए दोस्तों, आपको जरूर मिलेगा। आप परिश्रम करेंगे दोस्तों तो आपको जरूर मिलेगा, पढ़ेंगे जॉब मिलेगी दोस्तों, जॉब मिलेगी तो पैसा पाएंगे, उसके बाद ऐश करेंगे, ठीक। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला चौथा वर्ड क्या है हम लोगों का, OWS में चौथा वर्ड अर्थात OWS का आखिरी वर्ड देखते हैं। OWS का आखिरी वर्ड है दोस्तों आइडोलेटर। जी हां दोस्तों, IDOLATER, आइडोलेटर, ठीक। देखिए दोस्तों आइडोलेटर का मतलब होता क्या है दोस्तों, पहले आप ये समझिए। एक वर्ड आपको मैं बता दूं दोस्तों, IDOL, आइडोल दिख रहा है ना दोस्तों, आइडोल का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति, ठीक। आइडोल का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति, ठीक। और इसी एक वर्ड देखिए आइडियल लिखा हुआ है, और आइडियल का मतलब होता है दोस्तों आदर्श। जानते होंगे कि ये हमारे आइडियल हैं, मतलब मेरे आदर्श हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हमारे आइडियल हैं, स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। तो वही चीज है आइडियल मतलब दोस्तों होता है क्या होता है दोस्तों आदर्श। और वही दोस्तों आइडल, IDLE दोस्तों एक वर्ड होता है आइडल, और आइडल का मतलब होता है दोस्तों निकम्मा। जी हां दोस्तों, तो हमने दोस्तों 3 वर्ड देखा और तीनों एक ही तरह दिख रहा है दोस्तों। आइडल का मतलब होता है निकम्मा, आइडियल का मतलब होता है दोस्तों आदर्श, और आइडोलेटर का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति, मूर्ति पूजक। जी हां दोस्तों, आइडोलेटर का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति पूजक। तो हमने 3 वर्ड बताया दोस्तों, एक बताया आइडल, आइडल मतलब निकम्मा, आइडल से ही आइडियल बना है दोस्तों, आइडियल मतलब आदर्श,
और आइडियल से ही आइडोलेटर बना है दोस्तों, आइडोलेटर मतलब मूर्ति पूजक। तो दोस्तों मजा आए कि नहीं दोस्तों, चारों तीनों वर्ड समझ में आए कि नहीं दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार लाइक करिए, एक बार शेयर करिए, जल्दी एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, जय हिंद लिखिए दोस्तों। नील प्रताप राजपूत, एथलेटिक नितेश कुशवाहा, सागर पंडित, प्रमोद, नितिन हनुमान, बिश्नोई, शुभम गोदरा, मानस अवस्थी, दोस्तों सबका नाम लिया जाएगा दोस्तों। जिस दिन आपका नाम ये होगा कि हाँ आज आपका नाम लिया जाएगा, तो आज आपका नाम लिया जाएगा दोस्तों। रैंडम होता है दोस्तों, अब चूंकि ये तो है नहीं कि सबके कमेंट देखता हूँ दोस्तों, एक लाइन से जितना हमको दिखता है दोस्तों उसका सब मैं नाम पढ़ देता हूँ दोस्तों। तो एक दिन आपका नाम जरूर लिया जाएगा, अगर नाम ना लिया जाए तो दोस्तों गुस्सा मत होइएगा। बहुत बच्चे होते हैं दोस्तों, गुस्सा हो जाते हैं सर जी हमारा नाम ही नहीं लिए, तो दोस्तों एक ना एक दिन आपका नाम जरूर लिया जाएगा, बस धैर्य रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आईपी पर चलते हैं दोस्तों, आईपी पर चलते हैं और देखते हैं आज आईपी में क्या है आपके लिए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आज आपके लिए आईपी में क्या है। आईपी, जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं दोस्तों उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि आईपी का मतलब होता है दोस्तों आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हाँ दोस्तों, आईपी का मतलब होता है idioms and phrases दोस्तों। और मैंने कहा दोस्तों कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, आप लोग इंग्लिश ग्रामर बेसिक से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो अभी ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर बेसिक से पढ़ना चाहता हूं मैं, ठीक। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे दोस्तों 20-25 बच्चों का कमेंट आ जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, फिक्स है। 20-25 बच्चे भी अगर मिल जाते हैं डेली पढ़ने के लिए कि लाइव सेशन, लेकिन वो देखें दोस्तों, अगर आप लाइव पढ़ने के लिए मिल जाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से दोस्तों, सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और पूरी चीजें दोस्तों, पूरा इंग्लिश ग्रामर। फिर आप चाहे आप जो भी एग्जाम दें, अगर उसमें इंग्लिश आती है दोस्तों तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी दोस्तों, पूरी इंग्लिश आपकी तैयार हो जाएगी, यहां तक कि आप एसएससी बैंक लेवल तक की अंग्रेजी पढ़ लेंगे दोस्तों, इतना अच्छे से और विस्तार से बता दूंगा दोस्तों। 20-25 केवल 20-25 बच्चे अगर कमेंट कर देंगे तब भी मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों, ठीक, 25 बच्चे कम से कम दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा कि सर हम पढ़ना चाहते हैं तो जरूर बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आईपी अर्थात आइडियम्स एंड फ्रेजेस में हम लोग पहला वर्ड पढ़ेंगे ट्रू टू वन साल्ट, ट्रू टू वन साल्ट। जी हाँ दोस्तों, ट्रू टू वन साल्ट। देखिए दोस्तों, कहते हैं जॉनी हमने तुम्हारा नमक खाया है, तो दोस्तों मतलब क्या हुआ, सुने होंगे आप लोग, सुने हैं कि नहीं पहले ये बताइए, ये डायलॉग सुने हैं कि नहीं, जॉनी हमने तुम्हारा नमक खाया है, सरकार हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जान देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है हम लोग ये समझेंगे दोस्तों। तो मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ट्रू मतलब सत्य होना, और वंश साल्ट का मतलब होता है कि नमक के प्रति, अर्थात जिसका नमक आपने खाया है दोस्तों, जिसका नमक आपने खाया है दोस्तों उसके प्रति वफादार होना, उसके प्रति वफादार होना दोस्तों, उसे ही कहते हैं ट्रू टू वंश साल्ट। जी हां दोस्तों, ट्रू टू वंश साल्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने बताया वफादार होना। जी हां दोस्तों, ट्रू टू वंश साल्ट मतलब होता है दोस्तों वफादार होना, और हमने बताया दोस्तों ट्रू मतलब सत्य, टू वंश साल्ट किसी के नमक के प्रति। जी हां दोस्तों, किसी के नमक के प्रति वफादार होना, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ट्रू टू वंश साल्ट किसी के नमक के प्रति क्या होना दोस्तों, वफादार होना, ठीक। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए, पहला वर्ड ट्रू टू वंश साल्ट समझ में आया कि नहीं दोस्तों, इसका अगर वर्ड बताएं तो टू बी फेथफुल। जी हाँ दोस्तों, ट्रू टू टू बी फेथफुल मतलब होता है दोस्तों वफादार होना। जी हाँ दोस्तों, ट्रू टू टू बी फेथफुल मतलब वफादार होना दोस्तों। आगे चलते हैं, टू रोल अप, यहीं पर लिख देते हैं दोस्तों, टू रोल अप वंस स्लीव, स्लीव है दोस्तों, यस यल डबल ई वी ई एस, यस यल डबल ई वी ई एस। देखिए दोस्तों, टू रोल अप वंस स्लीव्स, टू रोल अप मतलब रोल अप मतलब मोड़ना होता है दोस्तों, रोल देखिए आता होगा दोस्तों, रोल खाया जाता है,
तो वही चीज है रोल अप, या फिर दोस्तों जब आप कॉपी पे पेपर चढ़ाते हैं, देखिए मार्केट में मिलता है रोल मिलता है, तो वही चीज है दोस्तों रोल। तो रोल अप वंस स्लीव्स, स्लीव्स मतलब होता है दोस्तों आस्तीन, बाही जिसको बोलते हैं बाह। अब हम फुल शर्ट पहने हो तो दोस्तों दिखाते, टू रोल अप वंस स्लीव मतलब अपनी बाहें मोड़ना, टू रोल अप वंस स्लीव मतलब होता है दोस्तों अपनी बाहें मोड़ना, मतलब परिश्रम के लिए तैयार रहना। जी हाँ दोस्तों, टू रोल अप वंस स्लीव का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिश्रम के लिए, परिश्रम के लिए तैयार रहना। जी हाँ दोस्तों, परिश्रम के लिए तैयार रहना। देखिए दोस्तों करते हैं ना, जब भी कहेंगे आवा आवा लर लीन जा आवा, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या किया है, ये बाहीं मोड़ते हैं ना दोस्तों, तो वही चीज है टू रोल अप वंस स्लीव मतलब परिश्रम के लिए तैयार रहना दोस्तों, परिश्रम के लिए तैयार रहना, या फिर टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्क हार्ड। जी हाँ दोस्तों, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्क हार्ड, ठीक, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना, या फिर कह दीजिए दोस्तों टू रूल, टू रोल अप वंस स्लीव्स। जी हाँ दोस्तों, आज का आखिरी वर्ड देखते हैं दोस्तों, आज का आखिरी वर्ड देखते हैं दोस्तों, स्क्वायर मील। जी हाँ दोस्तों, यस क्यू यू स्क्वायर, यस क्यू यू ई आर ई स्क्वायर मील, एम ई ए एल। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर मील, ठीक, यस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर मील, स्क्वायर मील का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब आप लोग गणित में देखिए पढ़े होंगे स्क्वायर करना, क्यूब करना, तो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे स्क्वायर मतलब वर्ग करना, मील मतलब भोजन, मतलब भोजन का वर्ग कर दीजिए। कितने बच्चे ऐसा समझ रहे हैं दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, देख रहा हूँ आप सबके कमेंट देख रहा हूँ, एक बार जल्दी से जय हिंद करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद करिए, काफी टाइम हो गया दोस्तों जय हिंद नहीं किया आप लोग, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, और अभी भी सभी लोग लाइक नहीं किए दोस्तों, अभी भी सब लोग लाइक नहीं किए दोस्तों, लाइक जरूर करिए दोस्तों। स्क्वायर मील, स्क्वायर मील का मतलब होता है दोस्तों, स्क्वायर मील का मतलब होता है दोस्तों भरपेट भोजन, भरपेट भोजन, या फिर दोस्तों संतुलित भोजन। जी हाँ दोस्तों, संतुलित भोजन। तो दोस्तों स्क्वायर मील का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मील का मतलब हुआ दोस्तों भरपेट भोजन, या फिर दोस्तों क्या हुआ, संतुलित भोजन, ठीक। तो ये चीज है, यानी कि फुल मील। जी हाँ दोस्तों, फुल मील, फुल मील मतलब संतुलित भोजन या फिर भरपेट भोजन। तो ये था दोस्तों आज का हमारा आईपी, और हम लोग दोस्तों लॉजी वर्ड नहीं देखे, लॉजी वर्ड नहीं देखे, चलिए लॉजी वर्ड पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर दोस्तों आज का क्लास खत्म करते हैं दोस्तों। लॉजी वर्ड देखते हैं क्या था हम लोगों का आज के लॉजी वर्ड में क्या रहेगा, लॉजी वर्ड देखते हैं दोस्तों, लॉजी वर्ड देखते हैं। तो लॉजी वर्ड में देखिए दोस्तों, लॉजी वर्ड में आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों, लॉजी वर्ड में आज आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों, रुकिएगा, चलिए दोस्तों लॉजी वर्ड में कल हम लोग दोस्तों रेनोलॉजी तक पढ़ लिए थे, मतलब नासा विज्ञान तक पढ़ लिए थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों, और आज उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, उसके पहले हम दोस्तों एक सूचना दे दें, एक सूचना दे दें दोस्तों, जो कल की क्लास थी दोस्तों, कल की क्लास का जो पासवर्ड है दोस्तों, कल की क्लास का जो पासवर्ड है दोस्तों, कल की क्लास का जो पासवर्ड है दोस्तों 1430 है। जी हाँ दोस्तों, 1430 है, कल की क्लास का जो पासवर्ड है दोस्तों 1430 है दोस्तों, जो पीडीएफ दिया हूं मैं, कल की क्लास का जो पीडीएफ दिया हूं मैं दोस्तों, उसका जो पासवर्ड है दोस्तों 1430 है, ठीक, कल की क्लास की पीडीएफ का पासवर्ड दोस्तों 1430 है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं लॉजी वर्ड में, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, पहला वर्ड लिखा है दोस्तों एग्रोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, लिखा है दोस्तों एग्रोनॉमी। तो देखिए एग्रोनॉमी, ए जी आर ओ एग्रोनॉमी, तो दोस्तों एग्रोनॉमी का मतलब होता क्या है, देखिए एग्रो,
एग्रो का मतलब होता है दोस्तों एग्रीकल्चर से बना हुआ है, एग्रीकल्चर मतलब होता है दोस्तों कृषि, तो वही चीज है एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। जी हां दोस्तों, एग्रोनॉमिक मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। जी हां दोस्तों, स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। जी हां दोस्तों, मतलब मैंने बताया दोस्तों एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान। जी हां दोस्तों, स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। ठीक, फार्मिंग मतलब होता है दोस्तों कृषि करना। फिर आगे देखते हैं दोस्तों डेमोग्राफी। जी हां दोस्तों, डेमोग्राफी। जी हां दोस्तों, डेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, डेमो लिखा है ना, डेमो का मतलब होता है दोस्तों पीपल या लोग। ठीक, डेमो का मतलब होता है दोस्तों पीपल या लोग, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है दोस्तों तंत्र और डेमो का मतलब होता है लोग, अर्थात लोकतंत्र अर्थात लोकतंत्र, जनता का शासन। तो दोस्तों वही चीज है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक, ठीक, या स्टडी ऑफ पीपल, लोगों का अध्ययन। तो जो लोगों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। वही अगर हम आगे देखें दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा जेनेटिक्स। जी हां दोस्तों, जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स। तो दोस्तों जेनेटिक्स कहते हैं ना कि इनकी जीन में परिवर्तन है, तो जीन का मतलब होता है दोस्तों वही, जेनेटिक्स का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी मतलब होता है दोस्तों अनुवांशिकी। इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा दोस्तों, पीडीएफ देता हूं, जो चीज इसमें ना क्लियर हो दोस्तों उसको आप पीडीएफ से क्लियर किया कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप बता सकते हैं हमको, आप हम लोग हमसे जुड़े ही होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाए दोस्तों, वहां पर आप जरूर जुड़ जाए, वहां डालेंगे जब आप लोग द स्पीड स्टडी तो वहां पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जहां पे लिखा होगा इसका डे 5 लिखा है, इंग्लिश लिखा है एयरफोर्स इंग्लिश, वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां पर टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों हेरिडिटी माने होता है अनुवांशिकी और जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी या अनुवांशिकी का अध्ययन। वहीं आगे देखिए दोस्तों लिंग्विस्टिक्स लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है लिंग्विस्टिक्स, तो लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, लिंग्विस्टिक्स तो लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है दोस्तों, देखिए लिंगुआ, लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक, लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज और स्टिक्स का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं का अध्ययन दोस्तों, कई भाषाओं का अध्ययन जो होता है यानी कि भाषाओं का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे आप कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। जी हां दोस्तों, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब होता है दोस्तों भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये चीज था दोस्तों, आगे देख रहे होंगे न्यूमिस्मेटिक, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। न्यूमिस्मेटिक मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ क्वाइंस, सिक्कों का अध्ययन। और वहीं आखिरी है दोस्तों लेक्सिकोग्राफी। जी हां दोस्तों, लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों आर्ट ऑफ कंपेलिंग डिक्शनरी, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी मतलब शब्दों को एकत्रित करने की जो कला होती है दोस्तों उसे आप कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। जी हां दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे लॉजी वर्ड दोस्तों। तो आज आपको दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि स्क्रीन जो है थोड़ा आपको डिम लग रही होगी दोस्तों, परेशान मत होइएगा, आगे क्लास सही चलेगी आपकी। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे आपको शाम को 4 बजे, और आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, एक बार जय हिंद लिखिए तो मैं देखता हूं कौन कौन से बच्चे दोस्तों प्रेजेंट रहे, आज कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट रहे मैं देखता हूं, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जय हिंद का कमेंट करिए दोस्तों, मैं देखता हूं कि आज पूरी क्लास में कितने बच्चे आए दोस्तों।
तो दोस्तों देख रहा हूं अक्षित शर्मा, किशन कुमार, विकास, राजन, संदीप, ज्ञान, रौनक, राजेश, नीतीश, ब्लैक अजगर, विशाल, नीरज, आशुतोष, आयुष, संदीप, नितेश, रोहित, हनुमान, नितिन, प्रमोद, सागर, आकृति, आस्तिक, नितेश, राजपूत, एथलेटिक, नील प्रताप, लवेश, अभी, अभिषेक, सत्यनारायण, भवानी राठौर, मानस अवस्थी और सारे बहुत से बच्चे हैं दोस्तों। तो आज इतने बच्चों ने क्लास ली दोस्तों, तो एक बार जय हिंद का नारा लगाइए दोस्तों, उसके बाद चलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।